हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत टी एंड आप देख रहे हैं WWE 2K16 माय करियर लेजेंड ऑफ द ग्रेट खली। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने स्मैकडाउन में अपना डेब्यू किया, लेकिन हमें बचाने आए हमारे रिंग साइड में आए सेथ रॉलिंस, लेकिन वो अपने साथ एक फाइट लेके आए, यस रायबैक के साथ। बहुत कुछ पंगा हुआ, आज हम बढ़ेंगे वहीं से आगे, लेट्स गो। रायबैक और सेथ रॉलिंस के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन सेथ रॉलिंस के साथ हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन चुका है, यस ऑलमोस्ट अ टैग टीम बन चुके हैं हम लोग। एंड आज हमारा मैच है टैग टीम मैच, रायबैक और डॉल्फ ज़िगलर एक साइड में वर्सेस ग्रेट खली एंड सेथ रॉलिंस, नाइट ऑफ द चैंपियंस, हियर वी गो। पहला बड़ा पे-पर-व्यू इवेंट, नाइट ऑफ द चैंपियंस टैग टीम मैच। हमारे अपोजिट में रायबैक, काफ़ी लंबा चौड़ा बंदा है, काफ़ी डोले शोले भाई, दिखने में बहुत ही खतरनाक। उसके साथ है डॉल्फ ज़िगलर, यस ज़िगज़ैग ज़िगलर। एंड हमारे साइड में सेथ रॉलिंस, WWE चैम्पियन हमारे साथ है। कोने में पटकेंगे इसको, बूम क्लोथलाइन, यस। तो अच्छी हाइट होने की वजह से मिस नहीं हो रहा, इसके सर के ऊपर से क्लोथलाइन नहीं जा रहे। बैक ब्रेकर, बूम साइडवॉक स्लैम। खली आज बिल्कुल रेडी हो क्या है, सबको मारेंगे, उठे उठ। और स्कूप स्लैम, बहुत ही अच्छा स्कूप स्लैम। सेकेंड रोप पे जाएंगे, ओहो उनके रोप पे डॉल्फ ज़िगलर धक्का ना दे दे। बूम, बहुत ही अच्छी हाइट पकड़ी, काफ़ी बड़ा जंप मारा खली ने, लगता नहीं उनको कि जंप मार पाएंगे इतने बड़े बड़े, लेकिन सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। रायबैक की हालत बुरी होते हुए ये दिया लात मुंह पे, बूम दो लात। रायबैक बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाए हम पे, एक रिवर्सल तक नहीं किया है। अटैक के लिए जाएंगे, डबल टीम अटैक, सेथ रॉलिंस अंदर आते हुए, बूम बहुत ही अच्छा किक मारा। मैं जा रहा हूँ बाहर रायबैक, मुझे नहीं मारना। रायबैक ने सेथ रॉलिंस को आते ही पटकना स्टार्ट कर दिया है, शिट। टैग टीम की यही बात है कि मैं बाहर रह जाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता। कम ऑन, डॉल्फ ज़िगलर अंदर आ गए हैं और सेथ रॉलिंस को पीटना स्टार्ट। सेथ रॉलिंस अंदर आते ही मार खाना स्टार्ट हो गया, क्या बात है। बूम, क्या पंच मारा है खली ने, ये होती है टैग टीम की बात, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो साइड लाइन से। बहुत ही अच्छा नेक ब्रेकर, डॉल्फ ज़िगलर नीचे, 54% हो गया डॉल्फ ज़िगलर का बाहर खड़े खड़े। कम ऑन, सेथ रॉलिंस अभी भी 15% पे है मोमेंटम, पूरा मोमेंटम अब उन लोगों के पास चला गया। रायबैक रेस्ट कर रहे हैं बाहर और डॉल्फ ज़िगलर अंदर बहुत मुक्के मार रहे हैं, यार बचाना चाहिए मुझे किसी तरह। ओहो एक और सुप्लेक्स, सुप्लेक्स। रेफरी हमें अंदर नहीं आने दे रहे मैच के। और यस यस सेथ रॉलिंस कम बैक, बहुत ही अच्छा सुप्लेक्स था ये तो। कम ऑन सेथ, मारते जा इसको, बता दे तू चैंपियन क्यों है। ओहो डॉल्फ ने बहुत ही अच्छा ड्रॉप किक मारा, शिट हम लोग खतरे में, अंदर आना ही पड़ेगा मुझे। हट हट, ओ भाई मुझे भी रिवर्सल मार दिया तू। सेथ मार इसको, देख क्या रहा है, मार इसे। अरे सेथ बिल्कुल कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा, अंदर आ गया रायबैक, खली की हालत बुरी, छोड़ उसे छोड़ उसे। बचा लिया एक पटकी को तो बचा लिया, लेकिन अभी भी यस रिवर्सल रिवर्सल। सेथ कम ऑन, यू कैन डू इट, मार इनको। अरे खली अंदर बैठ जा। ओहो डॉल्फ ज़िगलर बीच में आने की कोशिश, बूम चल नीचे चल नीचे, मुझे भी बाहर खड़े हो जाना चाहिए, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बीच में, डिस्क्वालीफाई ना कर दे। अरे खड़े हो जा आराम से, उधर देखिए रायबैक ने पटक दिया, मिलिट्री प्रेस और एक स्लैम, बचाना पड़ेगा। यस टू काउंट पे रोक लिया, टू काउंट पे रोक लिया। कहाँ चढ़ रहा है खली, कहाँ चढ़ रहा है। शिट, ये देखिए वो दोनों मिलके मार रहे हैं, डॉल्फ अंदर आ चुका है, उसने डॉल्फ को पकड़ लिया है। क्या कर रहा है सेथ, कभी टैग टीम मैच नहीं खेला क्या, वो मुंह पे पड़ी इसके। अरे भाई टैग चाहिए मुझे टैग। रायबैक पूरा खौफ फैला रहा है, ये देखिए सुपर पावर बॉम्ब, सुपर
make him one of the most serious threats to any championship reign. So दोबारा बचाना पड़ेगा इसको. At last, Seth Rollins ने रिवर्सल मारा. मार इसको. Yes, ये ले, मैं भी मारता हूँ पीछे से. कोने में पटका. बहुत अच्छे. एक पटकी दे दे. Yes, Seth Rollins ने at last अपनी पहली पटकी ऊपर बैठा के वो भी. सुपर फ्लेक्स के लिए जा रहे हैं वो. बहुत ही बड़ा मूव इस टैग टीम मैच में. मोमेंटम पकड़ते हुए बैंग. बहुत ही अच्छा शॉट. कहाँ उतर गया? टैग कैसे मांगते थे? वन टू. ओह शिट, टू काउंट पे ब्रेक. टैग. अरे भाई साहब, ये क्या कर रहा हूँ मैं? डिस्टर्ब क्यों कर रहा हूँ? बूम. बहुत ही अच्छे अच्छे मूव दिखा रहे सेथ रॉलिंस वहाँ साइड में. पागल हो गया खाली. ओ सिग्नेचर मूव. सुपर किक पड़ा सीधा मुंह पे. पिन कर रहा है बैक को. मैं डॉल्फ को संभालता हूँ. यस, सेथ रॉलिंस ने सारा काम कर दिया. एज टैग टीम पार्टनर्स हमारी पहली विन. और सेथ रॉलिंस अभी भी पीट रहे उनको. बाहर फेंक दिया रायबैक को. इस बार मैंने मार दिया. क्लोज लाइन, रायबैक डाउन. लगता है रायबैक से इसकी दुश्मनी अभी तक खत्म नहीं हुई है. अबैंडन सेथ रॉलिंस या लिफ्ट अप रायबैक. तो लगता है मैं सेथ रॉलिंस की मदद करने ही वाला हूँ. जबकि मैं टैग टीम में घुस चुका हूँ तो मदद तो करनी पड़ेगी अपनी टैग टीम पार्टनर की. उठा ले इसको. दोनों मिलके मारेंगे अब. हमारी टीम से पंगा लेता है. दे इसको कर्ब स्टॉम्प. बूम, फिनिशर. अब कोई नहीं लेगा हमसे पंगा. Yeah, नाइट ऑफ द चैंपियंस में विन. तो लगता है सेथ की मदद करके हम अथॉरिटी की ही मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं से. यस, लगता है अब मैं अथॉरिटी में आने की कोशिश कर रहा हूँ. वी आर अ पैक ऑफ वुल्व्स. आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ अथॉरिटी. आई थिंक वी आर अ पैक ऑफ वुल्व्स. वी आर स्ट्रॉन्ग. Let's do this. I think we proved tonight that you don't mess with a pack of wolves. You mess कोई with हमसे one पंगा us, नहीं लेता. You mess with all अब of पूरी us. टीम बन चुकी है. No one can touch the authority, and everyone best remember that. I hope ये फेवर करे मुझे and titles की तरफ ले जाएगा फ्यूचर में. तो हमारा रैंक भी इंक्रीज हो गया. नंबर 9 पे आ गए हम US चैंपियनशिप में. तो US चैंपियनशिप के रैंकिंग में हम बढ़ते गए. हमने केविन ओवेंस को हराया. उसके बाद हमने स्मैकडाउन में R-Truth को हराया. तो हमने काफ़ी लोगों को हराया इसी दौरान एंड हम रैंकिंग्स में ऊपर बढ़ते गए. लेकिन हमने अथॉरिटी के लिए भी थोड़ा काम किया. थोड़े बंदे उनके लिए भी पीटे. जॉन सीना को हराने में मदद की. रिंग साइड डिस्ट्रैक्शन से हमने फिन बैलर को जिता दिया. 1, 2, 3. तो काफ़ी तहलका मचाने के बाद मेरे पास 10,000 SP हो चुका है. यस, तो हम इसको थोड़े एट्रीब्यूट्स बढ़ाने में लगाएंगे. स्ट्रेंथ 70 तक पहुंच गए. स्टैमिना 70 तक पहुंच गया. मोमेंटम हमारा 70 तक पहुंच गया है. एंड रिवर्सल्स हमारा पहुंच गया है 75 तक. यही सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जो बढ़ाने चाहिए. एंड हमारा ओवरऑल 74 पे ही है. तो आज जो हमारा मैच है सुपरस्टार्स में वो है 6-man नॉर्मल टैग टीम मैच. मेरे साथ है सेथ रॉलिंस और जैक स्वैगर वर्सेस ल्यूक हार्पर, एरिक रोवन और ब्रॉक लेसनर. 6-man इन द रिंग. एक पेपर व्यू से पहले, जस्ट पहले, बहुत ही बड़ा मैचअप. तो आई होप जैक स्वैगर और सेथ रॉलिंस मेरी काफ़ी मदद करेंगे इसमें एंड हम ये मैच, मेरा पहला 6-man टैग टीम मैच जीत पाएंगे. बूम, ल्यूक हार्पर को बहुत ही अच्छा सुप्लेक्स. उठेगा खली के सामने उठेगा. अब हमारी अथॉरिटी चलती है WWE में. चल बैठ यहाँ पे. बहुत ही अच्छा पटका है. काफी लंबे चौड़े लोग हैं. ब्रॉक लेसनर ने रिवर्सल मार दिया. इनके टीम में भी देख लो, तीन तीन लोग हैं बहुत लंबे. ब्रॉक लेसनर, ल्यूक हार्पर, एरिक रोवन. भाई साहब, इनकी तो दाढ़ियाँ भी खतरनाक है. तुम्हें बाहर पटक दिया इनने अपने साइड में. मुझे ब्रॉक लेसनर भी नीचे, ल्यूक हार्पर भी नीचे. नाट ही नाट दे रहे हैं दोनों. लगता है ब्रॉक भी पंगे ले सकता है. अंदर चलते हैं. रिंग के बाहर रहना बिल्कुल सेफ नहीं है. ओ कहाँ जा रहा है. लटका दिया इसको. ओ शिट, रिवर्सल. ओ ड्रॉप किक टॉप रोप से.
ल्यूक हार्पर कंट्रोल लेते हुए मैच का। कम ऑन छोड़ो मुझे, शिट बहुत ज्यादा पिट रहा है ग्रेट खली। कम ऑन हट, पैर पकड़ेगा मेरा हा? आज तो तेरी दाढ़ी खींच के मारूंगा मैं। उठ बिग बूट, बूम। एरिक रोवन उसी के साथ नीचे उतर गए, थोड़ा सा डर गए थे शायद। चल भाई अपने कॉर्नर में ले जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा हमें सेफ रहेगा। फिर रिवर्सल, मारो पंच बाहर से इसको। मेरे सारे रिवर्सल्स ख़त्म हो चुके हैं। और ये क्या डबल हैंडेड सुप्लेक्स, वो टैग के लिए जा रहा है। यस, उसने अपने टैग टीम पार्टनर एरिक रोवन को अंदर बुला लिया है। भाई छोड़ दो मुझे, जब तक मैं इनके कॉर्नर में रहूँगा तब तक खतरे में रहूँगा। एक और लात, लात पे लात, मेरे सारे रिवर्सल्स लेट हो रहे हैं। बूम, ये लगा रिवर्सल। बूम, स्पाइन बस्टर। भाई साहब खली की हालत बुरी कर दी हमने, हटो मेरे ऊपर से। टैग देना बहुत ज़रूरी खली को। काफ़ी स्लो पड़ गया हूँ मैं, चल तू चल अब कोने में। मार भी नहीं पा रहा पंचेस, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, प्रैक्टिस नहीं करके आया क्या। बूम, लगता है जीत का बुखार इसके सर पे चढ़ गया सारा। चढ़ गया गधा कहीं का, मैं वहाँ पे उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ। डबल एक्स हैंडल, टैग दे दे। यस, जैक स्वैगर रिंग के अंदर, उनके पास काफ़ी मोमेंटम हो गया बाहर खड़े खड़े। हाँ जा रहा हूँ रेफरी। जैक स्वैगर ने बहुत अच्छा पटका। कम ऑन शाबाश, मारते रहे, रुक मत मार। चलो कम से कम हमारे टैग टीम ने कंट्रोल तो लिया। सेथ रॉलिंस वापस, ओ क्या डाइव मारी है ऊपर से, 360 सेंट ऑन रोल मून सॉल्ट, पता नहीं क्या था वो, लेकिन बहुत ही गजब का था। तो सेथ रॉलिंस ने कंट्रोल ले लिया। लूक हार्पर पर वापस आते हुए मैच में, ये दिया पेट पे एक मुक्का। कम ऑन, 6 सबसे बड़े सुपरस्टार्स, छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स, इस टैग टीम मैच में बहुत ही इंपॉर्टेंट विन होगा हमारे लिए। कम ऑन, ब्रॉक लेसनर अंदर आ गया एट लास्ट। ब्रॉक लेसनर को सबसे पहला मौका मिला है, सीधा सेथ रॉलिंस को पकड़ लिया। आयरिश वेब बाहर पटक दिया अपने साइड में, ल्यूक हार्पर नीचे खड़े हुए। शिट, जाना पड़ेगा मदद के लिए थोड़ा तो। आजा ब्रॉक, ओह शिट मुझे पंच मार रहा है, ये क्या है। ओ भाई 3, अबे ये तो मुझे नी स्ट्राइक मारे जा रहा है, 6 नी स्ट्राइक्स, अब जाके रिवर्सल हुआ है, होली क्रैप। हट, बैरिकेड के अंदर ब्रॉक लेसनर को स्कूप स्लैम। हट चलो, मुझे मारेगा। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर वापस, ब्रॉक लेसनर यहीं पे पड़ा हुआ है। चल अंदर जा, लड़ना है तुझे। वहाँ पे जैक स्वैगर को टैग मिल चुका है। ओह शिट, एरिक रोवन मेरे पीछे आ रहा है। अरे नहीं मार रहा मैं, जा रहा हूँ ल्यूक हार्पर, सॉरी। जा अपने साइड वापस, साला मेरा पीछा कर रहा है। ओह शिट, ब्रॉक लेसनर ने वहाँ पे सिग्नेचर मूव माना स्टार्ट कर दिया अपना, सुप्लेक्स सिटी। छोड़, सुप्लेक्स सिटी हमने पूरा नहीं होने दिया। और ये क्या डबल हैंडेड सुप्लेक्स, शिट। सुप्लेक्स सिटी हमने बीच में तो रोक दिया, लेकिन भाई बचाना पड़ेगा लगता है। यस, टूट गया। अबे कहाँ चढ़ गया खली, वहाँ नहीं चढ़ना है। डबल एक्स हैंडल ब्रॉक लेसनर पे, चाहता नहीं था करना, गलती से हो गया। जैक स्वैगर को थोड़ा इसी बात पे मौका मिलेगा, चाटा दे दिया ब्रॉक लेसनर को। एक एल्बो रोप पे लटक गए, मार। अरे श्वेप और बिग बूट, कम ऑन जैक। सेथ रॉलिंस के पास सिग्नेचर है, उसको टैग दे दे, मुझे दे दे टैग, मुझे वापस आना है इस मैच के अंदर। मेरा मोमेंटम कम होते जा रहा है बाहर खड़े खड़े। हाँ जा, ब्रॉक साला मुझे मारा था नी स्ट्राइक, मुझे मार रहा था। वाह, सेथ रॉलिंस को टैग दे दिया। अब सेथ रॉलिंस एरिक रोवन के साथ लड़ रहे हैं, सिग्नेचर मूव के लिए जा रहे थे, लेकिन एरिक रोवन ने सिग्नेचर मूव छीन लिया रिवर्सल करके। और ये देखिए राउंड किक एंड
इसी के साथ पिन कर रहे हैं। शिट, टू, थैंक गॉड सेथ रॉलिंस खुद उठ गए, भाग यहाँ से बाहर जा। एरिक रोवन पूरा कंट्रोल ले लिया यार, इसने तो मार मार के बुरा हाल कर दिया इन दाढ़ियों वालों ने। फिर पटक दिया अपने कोने में, डबल टैग टीम मूव, आयरिश व्हिप, ओ शिट, फिनिशर दे दिया उनने अपना टैग टीम। अबे हटो मेरे सामने से, अबे हट। सेथ रॉलिंस किसी तरह बच गए, मेरा खली मारने की कोशिश नहीं कर रहा, सब रिंग में घुस गए, खली को बाहर फेंक दिया। ब्रॉक लेसनर ने जैक स्वैगर को मार दिया। सेथ रॉलिंस ने सिग्नेचर मूव दे दिया, सुपर किक, पिन कर उसको फटाफट, कोई नहीं है रिंग में, जल्दी। वन टू, ओह शिट, लूक हार्पर खुद से उठ गया। ओह नो, मैच ने काफी हीटअप हो गया ये मैच। अबे खड़े हो जाए खली, बाहर आराम से। फिनिशिंग मूव, पेडिग्री के ले जा रहे हैं वो, इट कनेक्ट, खून निकाल दिया इसके सर में से। रेफरी को क्यों तंग कर रहा है। नाइस किक, टैग द टैग, यस, आखिरकार खली मैच के अंदर वापस। ल्यूक हार्पर मेन मैन, उसके पास सिग्नेचर है, मेरे पास तो मोमेंटम भी नहीं है अभी। पटक इसको, बूम, बहुत ही अच्छा। अगर मैं टैग टीम मूव कर दूं तो शायद कोई फायदा हो। बूम, 60 पे पहुंच गए, कम ऑन, ऐसे मारते रहना पड़ेगा। नीचे घूम रहे हैं एरिक रोवन, शायद उन्होंने जैक स्वैगर को मार के साइड में कर दिया है। ये पटकार रिंग के अक्रॉस, छोड़ मत इनको, छोड़ मत। शिट, रिवर्सल मार दिया ल्यूक हार्पर ने, उसके पास सिग्नेचर मूव कहाँ से आया। यस, ये ले बिग बूट। डबल टीम मूव के लिए जाएंगे, जैक स्वैगर को टैग दिया, कम ऑन, डबल आयरिश व्हिप, और ये मारा एल्बो। ही इज डाउन, मार उसको, मैं इनको मारता हूँ। अरे यार व्यू भी तो चेंज नहीं होता, ये कहाँ मार रहा है खली यार, हवे में। ए छोड़ उसको, किसी को नहीं मार पा रहा है ये खली का बच्चा। शिट, रेफरी भी डिस्क्वालीफाई कर दे मुझे, बैठ जाए शांति से। जैक स्वैगर ने कुछ कर दिया है, पटक दिया है उसको। जैक स्वैगर पिन के लिए जा रहे हैं, अभी भी 2-3 नहीं हुआ, खली किसी को नहीं मार पा रहा, खली किसी को भी नहीं छू पा रहा, पता नहीं क्या बकवास हो रखा है। पटक दिया ब्रॉक लेसनर को, एरिक रोवन रिंग से बाहर, इसको भी बाहर करता हूँ मैं, किसी को तो कुछ तो काम कर ले। यस, ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर, छोड़ उसे, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है खली को। जिस तरह से ये खली खेल रहा था, डिस्क्वालीफाई करने लायक ही था, बकवास। सिक्स मैन टैग टीम कुछ ज़्यादा ही हो गया खली के लिए। आज हम जा रहे हैं हेल इन अ सेल की तरफ, 1-on-1, हेल इन अ सेल अगेंस्ट सिज़ारो। एंड ये शुरू हुआ हमारा सबसे पहले हेल इन अ सेल मैच। सिज़ारो ने आधे पटक दिया है, ये भी एक कंटेंडर है US टाइटल के लिए। बूम, कोने में लटका दो और खींच के इसके ऊपर कूद। तो ये मेरा सबसे पहला हेल इन अ सेल मैच है, मेरे पास OMG मोमेंट्स नहीं है, इसलिए हम हेल इन अ सेल के बाहर नहीं जा पाएंगे। बूम, बम जंप, एंड लेकिन बहुत वेपन्स है रिंग के नीचे जिनका हम आज इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, कुछ भी यूज़ करो, कुछ भी मार दो इसको। बूम, बैक ब्रेकर, और इसी बात पे हम अपना सबसे पहला वेपन लेके आएंगे। कम ऑन खली, जल्दी जल्दी बढ़, स्लेज हैमर, सिज़ारो का टकला फोड़ देंगे आज हम। बहुत ही बेवकूफ पंती, सीधा लात खाया मुंह पे, सीधा बिग बूट, गर्दन मरोड़ दी गई। उठो खली को, खली का मुंह मोड़ेगा साले, खली तुझे खा जाएगा अभी। ये किया रिवर्सल, और ये पकड़ लिया सुप्लेक्स के लिए, बहुत ही अच्छा सुप्लेक्स, रिवर्सल, फिर एक और दोबारा। सिज़ारो से पंगा नहीं ले पा रहा ये, बैम, सिज़ारो ने पटक दिया। कम ऑन, उठ,
सिजारो खली जितना लंबा नहीं होगा लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है। ओह भाई कैसे उठाया इसने, डबल आर्म एंड काफी अच्छे मूव्स है इसके पास, काफी टेक्निकल प्लेयर है। वन टू पे उठ गए जस्ट, मौका ही नहीं दे रहा सिजारो हमें। ये किया रिवर्सल, एक बार वेपन मेरे हाथ में आ जाए, कम ऑन उठा के पटक इसको, लेग स्वीप, डंडा भी तो नहीं मारना था इसको, डंडा उठा भाई, ये ले स्लेज हैमर दिया पेट में, अब हुआ डैमेज, फिर रिवर्सल, ये ले उछल उछल के मार रहे तो खली को, कम ऑन ये मैच मेरे पे उल्टा ना पड़ जाए, इसने डंडा उठा लिया तो मेरी तो गई काम से, फिर रिवर्सल, भाई क्या आदमी है ये गंजा, कैसे कैसे उठा रहा है खली को, तो ये 90 पे पहुंच गया अभी से इसका मोमेंटम, गेट अप, बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है, चाटे लात खाए जा रहा है इसके, और ये पटका बिग बूट, अभी कहाँ हाइसमैन में मार रहे हैं चौक, थोड़ी सी बेवकूफी है एआई की भी, ये दिया पिछवाड़े पे एक डंडा, दे पिछवाड़े में घुसा दे पिछवाड़े में मार इसके, अरे फिर मिस, यस ये पड़ा सीधा छाती में जाके, कम ऑन सिग्नेचर आ गया इसी के साथ, तो काफ़ी डैमेज होता है एंड काफ़ी जल्दी हमारा मोमेंटम बढ़ जाता है इससे। इधर क्या मिलेगा मुझे, बेसबॉल बैट लिया है, दो मिनट तो इसको रिंग के अंदर और रिंग के बाहर जाने में लगते हैं, इसी का फायदा उठाते हुए सिजारो में पटक दिया, उनके पास सिग्नेचर मूव आ गया, ग्रेट कुछ कर ले खली, और भाई साहब इनका ये अपर कट बहुत ही खतरनाक सिग्नेचर मूव, वन टू बचे, भाई खड़े हो जाने तो हारना पक्का है इसका, हार तो आज पक्की है इसकी। ओह यस मैंने उसका फिनिशर रिवर्सल कर दिया, लेकिन कुछ करना नहीं चाहता है खली, खली महाबली नहीं चुलबुली हो गया आज, हाथ मरोड़ के हाथ में दे देगा इसके दूसरे, यस लगता है गया काम से इसका हाथ, स्पॉट भी नहीं मिल रहा इसको, यस रिवर्सल, गुस्सा दिला रहा है तू महाबली को भाई, गुस्सा दिला रहा है, एक बार पटक दे, इतने रिवर्सल्स है इसके पास अभी भी, पता नहीं कहां से बना रहा है ये रिवर्सल्स, मार तो नहीं रहा है, शिट पका दिया, मार निकाल ले भाई जो वेपन मिलता है, चेयर मिल गई है, आ जाओ नीचे आ नीचे, मैं नहीं आ रहा अब ऊपर, ये ले तू तो पिन कर देगा मुझे, अबे चेयर तक छीन ली इसने, दे दिया स्टील केज में, रगड़ दिया मुंह, सिजारो ने बुरी हालत कर दी इसकी, पेपर व्यू पे सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, कोई किसी से नहीं हारना चाहता, खली हवे में पंचेस मारने में माहिर है, स्टैमिना है नहीं, ड्रॉप किक खा गया फिर दोबारा, ओह यस रिवर्सल, रिंग के अंदर मत भेज उसको, रिंग के अंदर वो तेरी ले लेगा भाई बुरी तरह, नहीं है कुछ रिंग के अंदर भाई, निकाल चुका है तू सब, सिजारो स्लेज हैमर लेके आ गया, स्लेज हैमर फेंक दिया उसने, ये ले चेयर खा, ओह भाई स्टील स्टेप्स उठाने की कोशिश कर रहा था, तीसरा शॉट सीधा सर के पीछे, ये ले सिग्नेचर मूव आ गया एक और, अरे स्टैमिना ही नहीं है सिग्नेचर देने का, बैठ गया खली नीचे, फिर खा गया मार इससे, क्यों खली क्यों, आराम से सांस भर ले नीचे बैठ के, स्टैमिना रिगेन कर ले अपना पूरा, रेफरी को मार ले, पीछे खड़ा है वो तेरे गधे, एट लास्ट रिवर्सल, गुस्सा दिला रहा है यार ये कहाँ है, अबे वो तो खड़ा खड़ा टॉन्ट मार रहा है, उसको तो चिंता भी नहीं है, बिग बूट,
आई थिंक खली को थोड़ी देर सोने की ज़रूरत है। यस पप्पी लिलस की बैठ के यस हो गया स्टैमिना फुल, उठ जाओ, दे दे सिग्नेचर मूव खली चॉप, खत्म करेंगे इस मैच को, फिनिशर दे दिया तो दे खली बॉम्ब बूम, वन टू थ्री हेल इन अ सेल में विजेता सिज़ारो ने ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छी फाइट दी उसने, बहुत ही मुश्किल मैच था हेल इन अ सेल में। इन्हीं विनिंग स्ट्रीक्स के साथ ग्रेट खली नंबर 6 पोजीशन पर पहुंच गया है US चैम्पियनशिप के रैंकिंग्स पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है, मेरा मुंह थक चुका है बोल बोल के, अब तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विथ मोर, तब तक के लिए बाय बाय।